जय हिंद स्टूडेंट्स, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड यूपीपीएससी एपीएस की वैकेंसीज लाइव हो गई हैं। ये नोटिफिकेशन स्पेशली रिगार्डिंग है यूपीपीएससी एपीएस का। आप लोगों को इसमें मैं देने जा रहा हूँ कि जो सिलेबस आ रहा है नया, वो कैसे है, क्या है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और प्लस हमारा जो लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं 2 अक्टूबर से, वो कैसे आप लोग पाएंगे। तो चलिए मेन नोटिफिकेशन पर आते हैं। यूपीपीएससी ने आप लोगों को 19th यानी कि कल ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो उसकी अंतिम तिथि जो है 19 अक्टूबर है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन काफ़ी दिन बाद आया है, जैसा कि बच्चों ने भी फीडबैक दिया कि एपीएस की वैकेंसीज 8-9 साल पहले आई थी। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये दे दी गई है कि आप लोगों की इन पोस्ट में नेलिट के सर्टिफिकेट के इक्वलेंट कुछ कोर्सेज या यूं कहिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट एलिजिबल किए हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें एक अपर निजी सचिव की वैकेंसीज ऐड की गई है, उसमें दिया गया है कि 3 कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि कुछ नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया, स्नातक होना चाहिए। नंबर 2, इसमें आप लोगों को शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए जिसकी न्यूनतम स्पीड 80 हो, और नंबर 3 कंप्यूटर का ज्ञान हो, जो कि इन्होंने दिया है नेलिट या ओ लेवल से कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर ट्रिपल सी या सरकारी संस्थान द्वारा मान्य प्राप्त पाठ्यक्रम हो। तो जिन भी बच्चों के पास ओ लेवल या ट्रिपल सी है, उनके लिए आप लोग ये एलिजिबल हो जाएंगे सारे। ये अच्छी न्यूज़ है। नंबर 2, इसी तरीके से आप लोगों को एक और वैकेंसी पोस्ट जो दी गई है, उनमें आप लोगों को मैक्सिमम में सब में वही है। अच्छा, इसमें कहीं कहीं पे डोएक लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डोएक और नेलेट दोनों एक ही चीज़ है। डोएक पुराना नाम था, उसको फिर नेलेट के नाम से मॉडिफाई करके फिर से डाला गया। अब मैं बता रहा जा रहा हूँ कि इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिसमें नेलेट ट्रिपल सी लिखा हुआ है, इसमें किस तरह का पेपर आएगा, कैसा एग्जाम्स है। वैसे तो बच्चों ने ये ऑलरेडी काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट मेरे पास कई बार भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम्स जो है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं। उनमें पहला स्टेप जो दिया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण करके लिखा गया है, इसमें आपका जनरल क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के। अब इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के जो अंक हैं, उसमें देख रहे होंगे कि 50 अंक जो होंगे वो कंप्यूटर अकेले के होंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये कंप्यूटर का ही है। मैं इसी सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ। पहले जो सिलेबस मैंने मेंशन किया था, वो सिलेबस कुछ इस तरीके का था। मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला था और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गए हैं। तो पुराने सिलेबस में हम लोगों का कुछ इस तरीके का 100 नंबर्स का सिलेबस था। अब इसमें पहले लिनक्स वगैरह भी था, लिब्रा ऑफिस भी था। अब आपको जान के अच्छा होगा या फ़ायदा हो जाएगा उन बच्चों का जो कि पुराने हैं, क्योंकि नए वाले बच्चे जो हैं, जो ओ लेवल या नेलेट का ट्रिपल सी नए पैटर्न पे किया है, तो उन्होंने तो लिनक्स भी पढ़ा है और लिब्रा भी पढ़ा है, लेकिन पुराने वाले बच्चों ने ऐसा नहीं किया है। तो जरिए इस सिलेबस को मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि ये 50 नंबर का पहले आप लोगों का टेस्ट है, और फिर 50 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट की भी प्रिपरेशन करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की भी 50 नंबर्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है कि आपको विंडोज़ सिस्टम प्लेटफॉर्म पर काम करना आना चाहिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। आपको ये भी बता दूं कि विंडोज़ का 10 वर्जन यूज़ किया जाएगा। इसको इस तरीके से समझना आसान होगा, बिकॉज आप लोगों को जो भी इस समय गवर्नमेंट ऑफिसेस में चल रहा है, यूपीपीएससी के ऑफिस में, वो चाहते हैं कि हमें वो कैंडिडेट मिले जो बिल्कुल हमारे सिस्टम के कंपैटिबल तैयारी करके आए हैं। तो इन्होंने विंडोज़ बताया है, तो विंडोज़ 10 आपको करना होगा, जिसमें कि कोई बेसिक चीज़ें हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ये हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हमारे को साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होगा इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का मतलब हो गया बच्चों वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और एक्सेप्ट्रा भी लिखा हुआ है। एक्सेप्ट्रा का मतलब बच्चों होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हमारे पास ये तो मेन आ ही जाते हैं, जैसे वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पीपीटी आ गया, एक्सेस भी आप लोगों का इसी का पार्ट है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आउटलुक। आउटलुक आपके काम का है, होने को तो इसमें वीजियो और साथ ही साथ पब्लिशर भी होता है, लेकिन वो नहीं है। तो हम लोग अपने पैकेजेस में बच्चों ये कवर करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कवर करेंगे, एक्सेस कवर करेंगे,
और साथ ही साथ आउटलुक, आउटलुक सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, मैं उसको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वहाँ पर ईमेल को हैंडल करने के लिए आपका नॉर्मल ब्राउजर नहीं होता, ईमेल को जो भी हैंडल करना है उसके लिए उन लोगों को आउटलुक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं भी बैंकिंग फील्ड में जब काम करता था तो मैंने देखा था वहाँ पर सभी लोगों ने अपना एक आउटलुक सर्वर बना रखा है बैंक ने, और सारी मेल्स को हैंडल वहीं से करते थे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें आप लोगों को कोई छोटी छोटी चीज़ें जैसे एड्रेस बुक आपको इसमें है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे जनरेट होंगे, और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि वर्किंग करने के लिए भी इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको माइक्रोसॉफ्ट कौन सा पैकेज, तो हम लोग आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट छोटा और बड़ा यानी दोनों बताएंगे। जो ऑफिसेज में यूज़ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ किए जाते हैं, तो हम लोग एमएस ऑफिस 365 को भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ऑफिस 2007 या 10 को भी कवर करेंगे। 7 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, 365 में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है इनको भी हम कवर करेंगे और पुराने वर्जन्स को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब, पॉपुलर वेबसाइट, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की वेबसाइट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स की जिनका इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो सारी वेबसाइट इसमें कुछ तो नहीं दी गई है, एक्सेप्ट्रा लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों की हो गई एक तरह से मान लीजिए जैसे आप लोगों की डिजी लॉकर्स हो गई, तो वो भी इसी में पार्ट आ जाती है। साथ ही साथ जन सुनवाई, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये सारी सेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम लोग इसमें लेके आएंगे। नेक्स्ट, ईमेल को अच्छे से कवर करेंगे, ईमेल आईडीज कैसे बनाना भेजना सारा कुछ इसमें आएगा पूरा पूरा। और ये भी नया वाला, नया वाला का मतलब सिर्फ ईमेल नॉर्मली भेजना वो नहीं है, ईमेल में पीओपी सेटिंग्स कैसे की जाती है, एसएमटीपी सेटिंग्स कैसे की जाती है, साथ ही साथ ईमेल्स के भी अलग अलग आप लोगों को सिक्योरिटी सेटिंग्स और अच्छे से कैसे करना है, और जो सारी चीज़ें रहती हैं जैसे आपको ऑटो सेंड कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें सभी कुछ ईमेल से जुड़ा ए टू जेड सब। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट, और थोड़ा सा ऊपर भी ट्रैक करें तो हम लोगों को दिखाई देगा कि इसमें पीडीएफ वगैरह कैसे बनाना है, उनके डिफरेंट स्टाइल और एनिमेशन। तो बच्चों ये है आपका 50 नंबर का पूरा सिलेबस, और सेम सिलेबस अगर आप लोग देखें तो इन लोगों ने सेम सिलेबस आप लोगों को दे रखा है प्रैक्टिकल के लिए भी। अब प्रैक्टिकल में मेल करना तो वो आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ कुछ वेबसाइट्स में हो सकता है जैसे कि रिजर्वेशंस ये काम आता है, गूगल में सर्च करना और इसमें एआई वगैरह का इस्तेमाल करना और भी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो बट नेचुरल है कि आपको सिस्टम पर नेट मिलेगा, तो अगर आप एआई वगैरह अच्छे से जानते हैं तो आप अपने आप को बड़ा हेल्प दे पाएंगे। हैंड्स ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि वर्ड एक्सेल में, वर्ड में डॉक्यूमेंट राइटिंग आपको मिलेगी, मेल कैसे बनाते हैं, पंक्चुएशंस, टेबल वगैरह इंसर्ट करना, ये तो वर्ड का मेन काम ही है। पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें, और एक्सेल पे बेसिक से लेकर एक अच्छी खासी कैलकुलेशंस, क्योंकि जो ऑफिस गजेट्स होते हैं वो सब कैसे बनते हैं, वो फॉर्मूला और कैलकुलेशन इन एक्सेल शीट्स। तो बच्चों ये सारा सिलेबस है आप लोगों का मेन जो एपीएस में आने वाला है। अब बात करते हैं कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आइस एकेडमी बाय मिनेश इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एपीएस का कोर्स ले लीजिए, स्टोर सेक्शन पे नीचे जाइएगा, एपीएस के नाम से ढूंढेगा, हमने कॉम्बो बैच बना रखा है बच्चों एपीएस और ऑडिटर का। ऑडिटर का सिलेबस भी इससे मिलता जुलता है लेकिन ये बहुत ही कम है, क्योंकि ऑडिटर के सिलेबस में 15 नंबर का आना है, वो भी एमसीक्यूज आना है, लेकिन आप उसके लिए परेशान ना होइए, हम लोगों ने ऑडिटर को भी इसी में ऐड कर लिया है, आपको सब कुछ वैसे ही मिलेगा। देखिए हम लोगों ने स्पेशल ऑडिटर के लिए एमसीक्यूज कलेक्शन करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलना शुरू हो गए, इसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब क्लासेस ली जाएंगी तो पहले से प्री रिकॉर्डेड देखने वाले लेक्चर्स आपके लिए हेल्प करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेक्चर्स हैं, वर्ड के हैं, और आप लोगों के जो भी नए लेक्चर्स आएंगे, मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस मिस होंगी तो उनके लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस यहाँ जाके सेव हो जाएंगे। आपको एमसीक्यू कलेक्शंस पूरा मिलेगा, हर चैप्टर्स का अलग अलग मिलेगा, यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश सभी में मिक्स करके मिलेगा, ताकि आप लोगों में से जो भी बच्चे हिंदी वर्जन्स के हैं उनके लिए भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि आप लोग, और स्पेशली सबसे अच्छी चीज़ कर दी है कि प्रॉपरली हम लोग फिल्टर कर रहे हैं इंटरनेट के टॉपिक्स, जो जो अलग से टॉपिक्स होते हैं, जो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, उनको आप लोगों के साथ एमसीक्यू करके शेयर करने का। तो कोर्स
ऑन हॉट बर्निंग है। हम लोगों को ये कोर्स 2 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस कोर्स में हम लोग आप लोगों को लाइव सेशंस भी देंगे, रिकॉर्डेड सेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे। कोर्स को ऐप से जाके आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 वैलिडिटी बच्चों आप लोगों के लिए बना रखी है, एक 6 मंथ और एक 12 मंथ, क्योंकि इस कोर्स को कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें 50% का डिस्काउंट भी दे रखा है, तो आप लोग कूपन जरूर लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोर्स की फीस बढ़ जाएगी थोड़े ही दिन में, जैसे ही लाइव सेशन चालू होता है, तो आप ही अभी एनरोल कर लीजिए। एक आपको मैंने चैट रूम भी प्रोवाइड कर रखा है, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चैट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो एक चैट रूम दे दिया गया है, जिसमें बच्चे आपस में बात कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो चैट रूम होगा आपका, इसी पर आप लोगों के लाइव सेशन के लिए यूजर नेम पासवर्ड आएगा, और आप जूम मीटिंग के थ्रू हमारे से लिंक कर पाएंगे। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।